भाई KGF तो बहुत अच्छी पिक्चर है, देखा मैंने और इंटरेस्ट भी आया कि फाइटिंग वाइटिंग डायलॉग वगैरह सब में इंटरेस्ट था हम लोग को देखने में। पैसे वेस्ट नहीं, पैसा वसूल है हम लोग का। और मेरे साथ दो भाई भी है मेरे साथ में देखने आए थे पिक्चर, उन लोग तो भाई नाच रहे थे, चेयर वेयर तोड़ दिए शायद मेरे हिसाब से, पट्टे इंजॉय कर रहे थे। ओ आईबा वाला हाँ एकदम रॉकी भाई, तो एकदम रॉकी हैंडसम है भाई, भाई नहीं हो हैंडसम है तो इधर आओ साहिल भाई। हाँ ऐसा बोल नहीं सकता, अभी तो बहुत पिक्चर बननी है कंट्रीन, बोल नहीं सकता हूँ। हाँ ये तो अभी लास्ट है, सैड एंडिंग बहुत हार्ड पिक्चर रही है और मज़ा, हाँ बहुत मज़ा एंजॉय कर हम लोग ने, पैसा वसूल होगा। पहले 5 में मेरे हिसाब से 4.5 देने चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा कॉमेडी में थोड़ा लो गई थी वो। एक नंबर पिक्चर है, यश की एक्टिंग है, जो हीरो एक नंबर है एक्टिंग है उसका। हाँ एक नंबर सर, आपको कैसी लगी? सर कैसी लगी पिक्चर? माइंड ब्लोइंग अच्छी है पिक्चर, अच्छी लगी। विजय सर बहुत अच्छी पिक्चर है, सही है पिक्चर एकदम, फिल्म अच्छा है। पिक्चर बहुत अच्छी लगी भाई इसमें, हाँ एक नंबर पिक्चर है। हाँ एक स्टार देगा भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त मूवी है एकदम मस्त, एक नंबर। एक नंबर क्या क्या पिक्चर में क्या एक नंबर? डायलॉग अच्छा था यश का, मैं तो यश का फैन हूँ, तो यश का तो डायलॉग है कि हाँ पैसा उसे फुल मैडम। एक नंबर पिक्चर है नमाल, इसकी अभी पार्ट टू बनाएंगे इसके आगे। मैंने बस जीरो से अच्छी है, पैसा वसूल है, पैसा बहुत अच्छा काम किया सर, बहुत अच्छा पिक्चर, क्या बात है, गुड मूवी, ऑसम फैंटास्टिक। बोल के तो जब क्या अच्छा लगा पिक्चर में, यश की एक्टिंग पूरी, उसके जितने भी डायलॉग्स थे सब अच्छे लगे एकदम एकदम फाड़ू, पूरे वसूल धमाल, बेस्ट एंड बेस्ट मूवी है भाई, बहुत अच्छी लगी। तू आ जाइए तो और भी शानदार लगेगी। सुपर सर, फाइट मस्त, बढ़िया, बहुत मस्त एकदम सुपर, मजा आ गया, बहुत मजा, पैसा वसूल एकदम अच्छा था, ठीक ठाक थी, वो फैंटास्टिक सही, एक नंबर पिक्चर थी, अच्छी पिक्चर थी, मजा आया पिक्चर देख के, सब फाइटिंग से लेके A to Z अच्छा लगा मुझे, एक नंबर अच्छी लगी, बेस्ट मूवी लगेगी। 5 स्टार। अरे 5 पूरा ना, अरे मैंने हिट किया यार, तो फिर ये भाई चौथे दिन भी आए लगातार 4 दिन से देख रहे हैं, इनसे ज्यादा क्या इतना आपको पसंद आया, आप 4 दिन से देख रहे हो? देखो पहली बात क्या है कि इसको मैंने पहले ही जो है जब ट्रेलर और ये पोस्टर को देखा था, और ये पिक्चर को मैंने ही बोल दिया था कि ये पिक्चर सुपर हिट होने वाली है, और ये इतना नहीं लगा था कि इतना सुपर हिट होगी। जब मैं ये देखा पिक्चर तो मुझे बाहुबली का थोड़ा फीलिंग हुआ, और थोड़ा रोंटे खड़े कर देने वाले जैसे बाहुबली में बताया गया है, जब दूसरी बार मैं देखा तो मुझे पूरा केयर हो गया, पूरे रोंटे खड़े हर एक सीन है, इसके लिए मैं 4 बार लगातार देखा। KGF भाई बहुत बवाल मूवी थी, और अपना रॉकी भाई यश भाई एटीट्यूड भाई बवाल फुल ऑन। रुक के तो जाओ, डायलॉग्स कैसे हैं, फाइटिंग्स कैसे हैं? डायलॉग्स भाई मेजर सब 5 on 5, एक्शन फुल 5 on 5। क्या लगता है तो मेन क्रेडिट तो भाई डायरेक्टर, बेस्ट भाई एकदम बेस्ट, बाहुबली से भी कंपेयर बहुत अच्छी, बाहुबली अलग लेवल है, ये अलग लेवल है, लेकिन ये अपने जगह एकदम बेस्ट है भाई, एकदम फुल फाड़ू एकदम। 5 में से 5 भाई फुल बवाल, डायलॉग भाई तू बोलिए, बहुत मस्त डायलॉग बोलता है, बोल 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 ना एक डायलॉग बोल, अरे बोल कौन सा मार, वो कोई भी मार देना, ये बहुत बवाल डायलॉग बोलता है, बोल, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, हंसने वाला निकाल देंगे, बोल बोल बोल, याद तो दिला, रॉकी वाले फिल्म में बोल, तुम्हारे दोस्त यार सब लोग साथ में मिलके गरुड़ा का बोलता हूँ, अभी तो तुमने इतना ही खून देखा है, अभी तो मैं खून की नदियाँ बहने वाला, उससे पहले तुम चले जाओ यहाँ से। अशोक भाई ना, ये है अशोक भाई, और चौथे दिन पे KGF देखने हैं, लगातार 4 दिनों से देख रहे हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या इनको इतना मजा आया जो ये 4 दिन से लगातार KGF देख रहे हैं। सर क्या रीजन है? देखिए रीजन ये है कि मैं पहली बार ऐसा जो है
सोचा नहीं था कि जितना मेरे सोचने पे कि ये पिक्चर जो है हिट रहेगी उससे ज़्यादा ही कुछ निकला, क्योंकि जब मैं पहला दिन देखा तो मुझे, मैं जब स्टार्टिंग में इसका ट्रेलर देखा था और जब इंटरव्यू दिया था कि ये साउथ का पिक्चर जो है इतना अच्छा रहेगा, और मेरे मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 3.5 लाख पब्लिक ने देखा था, और जब ये पिक्चर आया, जब पहला शो मैं देखने आया तो हर एक सीन में कम से कम कुछ नहीं तो पूरे के पूरे थिएटर में सिर्फ 2 लाइन खाली था और पूरे के पूरे थिएटर भरी हुई थी, जो हर एक सीन के ऊपर, हर एक सीन के ऊपर पब्लिक जो है ताली और सीटी मार रही थी। मैं बोला ये पहला अपना इतना नया यंग लड़का और इतना जो है छा गया पब्लिक के ऊपर, और इतना अच्छा सीन और इतना अच्छा लुक, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, ये जो फाइट, हर एक फाइट में, हर एक सीन में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, जो कि बहुवाली की याद दिलाती है। जैसे बहुवाली में ये जानना चाहोगे उसमें, हाँ, बाप वाला एक कोई डायलॉग है जो लोग बार बार कह रहे हैं, हाँ, मुंबई बाप वाला, अगर आप, अगर वो ऑडियंस को बताना चाहोगे तो मजा आ जाएगा। क्या चीज़ वो, हाँ, कोई डायलॉग है जिसमें वो बोलता है कि तेरे बाप की है मुंबई वो, हाँ 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 बताता हूँ ये इसमें, हाँ, इसमें जो है ये जो इसमें बताया जाता है कि जब डॉन जो है वहाँ पर सिट्टी करके अपना है, तो वो बोलता है कि भाई जो इसके अंदर ऐसे नहीं है, बिगर है, बिगर बिगर जो है पते के भी मेरे घर पर लेटर पहुंच जाता है, एक ऐसा डायलॉग है जो उसका, जो उसके बचपन से उसके सामने जो है गुजरा हुआ रहता है ये हीरो। वो डॉन बोलता है कि ये मैं वो आदमी हूँ कि मेरे घर पर पोस्टमैन जो है बिगर पते का मेरे घर पर लेटर आ जाता है, तो जैसे ही बारिश होने लगती है और एक बैग सामने से एक मर्सिडीज आती है, और ये जो है डॉन जो रहता है सिगरेट पीता है और सिगरेट छोड़ता है, और वो अपने आदमी से छतरी लेता है, दौड़ते हुए उस कार की तरफ दौड़ता है, और वो उसमें से एक निकलते है, मतलब जो है उससे बड़ा डॉन रहता है, तो वो निकलते तो उनको छाता लगा देते तो डायरेक्ट रॉकी के पास आते हैं, जो अपने अपना यस नया हीरो डैसिन जबरदस्त तगड़ा दूसरा जेकी सरा पकड़ लो कुछ भी, तो उसको आते हैं डायरेक्ट, उसको बोलते हैं कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मुंबई तुम्हारी है, तो बोल तब वो अपने उसके जो बचपन से उसको बड़ा करते पिता के तरफ देते, मोमेडियन रहते तो वो कुछ बोलते नहीं, वो बोलते करूँगा मैं, हाँ कर दो, मुंडी हिला देते हैं, तब वो डायरेक्ट कार में बैठ जाते चले जाते, तब बोलते हैं अरे कौन ये बोल रहा था कि बिगर पते का लेटर जो है घर पे चले आता है, अरे ऐसे भी लोग हैं जो कि बिगर स्टैंप के और बिगर जो है बोले हुए भी लेटर चले आते, बिगर स्टैंप मारे हुए भी लेटर आ जाते, इसे बोलते हैं बिगर स्टैंप का जवाब। तो यही है, तो यही डायलॉग है उसके अंदर, इसको मैं जानने के लिए 4थी बार देखा पिक्चर, और पिक्चर बहुत ज़बरदस्त है, और इतने हर एक सीन जो है रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, जो इसमें कोयले की खान की सीन बताया है, जो वैसा जो है कोई भी अंदर जाके, और इतना फाइट जो है इतना, मतलब हर एक सीन में देखने लायक, मतलब मुझे तो हर एक सीन में फाइट का अच्छा लगा मुझे, और इतना बेहतरीन जो है काम किया है कि हर एक फाइट देखने लायक। थैंक यू सर, थैंक यू।